गाइस वेलकम टू द फुटबॉल क्लब हाउस। आज दो करारे करारे ट्रांसफर न्यूज है। तो उससे पहले यू वांट टू मेंशन कि यूथ फाइट्स कोविड बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है हु हैज कम अप टू अस एंड शेयर देयर आइडिया कि व्हाट दे डूइंग एट द मोमेंट इज देयर एडिंग पीपल एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस फॉर दिस कोविड थिंग। सो व्हाट एवर दे आर डूइंग I'm going to share the link in the description and you guys be sure to check them out। और 200 से ज्यादा volunteers हो चुके हैं अभी, तो just pitch in जिनको help करना है, just go with them, talk to them and help them out। So till then, I'll see you। So Milan Bozovic is coming to India and more specifically coming to the ISL. So abhi unka jo club hai wo abhi tak confirmed nahi hua hai. The club is going to be confirmed in about 10-15 days. Now jo lag raha hai, it's either a club from the south or it might be northeast. I don't think northeast is going to go for him, but anyway the success they have had recently, they might just get a player like that. Now, according to the agency or you know the rumors or the jo abhi halchal ho raha hai, koi club abhi tak set nahi hai, but itna to pakka hai ki wo India mein aa raha hai. He's a Serbian striker, 34-year-old, 6'2" unka height hai, like very good for Indian soil, and he has played in Kazakhstan Premier League. He has played in the top league of Serbian. Of Serbia, so that is Serbian Superliga. So, and abhi jo current recently jo club tha Mladost Luciani bolke, so he's currently he has been playing there. Or uske pehle in 2016 he played there and he scored 16 goals, 16 goals in one season, and he led the club to fourth position, jo club ka history ka abhi tak ka highest un log ka run hua hai. So ye ek कंफर्म डील है कि ही इज कमिंग टू इंडिया, इज कमिंग टू आईएसएल। अभी केरला लेगी या फिर चेन्नई लेगी या फिर नॉर्थ ईस्ट लेगी, आई थिंक इट्स एनी वन ऑफ दोस दीज थ्री क्लब्स जिसमें ही कैन गो एंड विल डेफिनेटली सी हिम इन आई लीग आईएसएल इन द नेक्स्ट सीजन। चलो अभी आई लीग का बात करते हैं। मारियो रिवेरा का बहुत रूमर्स आ रहा है कि ही माइट कम टू इंडिया फॉर अनदर स्टिंट, और जो लग रहा है इट्स गोइंग टू बी I League, maybe ISL as well, depending on the situation. But most likely, it looks like he's going for I League. देखो गोकुलम केरला तो नहीं हो रहा है क्योंकि विंसेंजो is solid there. It's definitely going to have another year. He has already extended his contract. But there might be other teams. I don't think Mohammedan is going to go for him. But you never know what can happen. So anyway, ऐसा scene है कि ये दोनों आ सकते हैं. Now, ये हो गया इंडिया में। अभी बाहर का एक रूमर चल रहा है या फिर बातें भी चल रहा है कि हैलेंड माइट गो टू बार्सिलोना। मिनियोला ने बोला है कि डॉर्टमुंड हैज टोल्ड एकदम लाइक स्ट्रिक्टली कि भाई हम लोग नहीं बेचेंगे उसको, कुछ भी हो जाए वी आर लाइक नॉट गोइंग टू सेल हिम। बट इफ द सिचुएशन इज अ बिट डिफरेंट इन सेप्टेम्बर जब सीजन खत्म हो जाएगा या फिर मई ट्रांसफर विंडो में, तब समथिंग माइट हैपन एंड एट दैट टाइम यू नेवर नो, हैलैंड माइट जस्ट गो फॉर इट एंड डॉर्टमुंड माइट जस्ट, इफ बोथ पार्टीज आर हैप्पी तो डॉर्टमुंड भी बोलेगा हाँ ठीक है भाई चला जाए, इतना पैसा दे दे, 120-130 कुछ भी लेगा तो हो जाएगा। एंड वन अनदर थिंग इज पोगबा और रियल मैड्रिड का बहुत सारा कनेक्शन हो रहा है एंड फैब्रिजियो भी ये रिपोर्ट करे जा रहा है कॉन्स्टेंटली कि पोगबा और हजार्ड का एक स्वैप का एक टारगेट है एंड दैट इज समथिंग दैट कैन हैपन। बट भाई हजार्ड लाइक नो ऑफेंस, हजार्ड इज नॉट द सेम हजार्ड एंड आई वुड नॉट स्वैप पोगबा फॉर हजार्ड। सो दीज आर द ट्रांसफर न्यूज फॉर टुडे लाइक फॉर टिल नाउ। सो अभी 5 बजे अनाउंसमेंट होगा, तो जब तक आप वीडियो देखोगे तो 5 बज चुके होंगे, तो विल गेट टू सी मिलान पोजोविच्स अनाउंसमेंट। सो वो देखिए एंड लेट्स वेट
till we find out which club is going to grab the Serbian 34-year-old Serbian striker.